हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इंडियन रेलवे में गेटमैन भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिख रहे हैं। यदि आप भी गेटमैन की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं इंडियन रेलवे में, तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो रेलवे गेटमैन भर्ती प्रक्रिया 2022, और इसमें ना परीक्षा ना इंटरव्यू और मेडिकल बेसिस पे इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो इंडियन रेलवे की एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया का ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपकी एग्जाम नहीं हो रही है और ना ही आपकी दौड़ हो रही है। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है, और इसमें काफ़ी सारे पदों पर एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन निकल चुका है। और इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है। यदि आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म है फ्रेंड्स, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, और आवेदन शुल्क भी फ्री रखा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन भरना है, और आवेदन फीस भी यहां फ्री रखा गया। किसी प्रकार का एग्जाम फीस आपको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए नहीं देना होगा। और इसमें आपको वेतन मिलेगा 25,000 रुपये प्रति माह आपको इसमें वेतन मिलेगा। लेवल इसमें आपका रहने वाला है 1800 वाला जो लेवल है, यानी कि लेवल 1 के अनुसार इसमें आपको वेतन मिल जाएगा। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो सबसे पहले बेसिक जानकारी में आपको बताया गया है कि रेलवे भर्ती प्रक्रिया 2022 नौकरी के तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हेतु रेलवे ने गेटमैन, ये जो पोस्ट आपको मिल रही है गेटमैन की पोस्ट मिल रही है, भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और इसके बाद इन पदों पर लिखित परीक्षा नहीं होगी। ये जो अभी गेटमैन की जो फॉर्म निकल रहा है, इसमें किसी प्रकार की एग्जाम आपकी नहीं होगी। और यहां पर आपको फिर बताया कि गेटमैन की यहां वैकेंसीज मिल रही है। योग्यता आपकी सिंपल 10वीं पास है, इसके साथ 25,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिल जाएगा। इसके साथ फ्रेंड्स बात की जाए आवेदन शुल्क, तो यहां आवेदन शुल्क फ्री रखा गया। ये भर्ती प्रक्रिया संविदा पे है, और आप देख सकते हो संविदा भर्ती प्रक्रिया 2022 11 जनवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ, यानी कि कल ही नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो रहेगी 20 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहां आपको जो है मंडल बताए गए, लखनऊ मंडल और इज्जतनगर जो है आपको इसमें दो मंडल बताए गए। 188 लखनऊ मंडल से हैं, और 135 जो है आपको वैकेंसी अलग मिल रही है। टोटल 323 पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल जाएगी। और इसमें यह बताया कि अभ्यर्थी केवल एक ही बार आवेदन करें, यानी कि आपको केवल एक ही आवेदन करना है इस भर्ती प्रक्रिया के लिए। तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना होगा, तो इंडियन जो रेलवे है इसके ऑफिशियल वेबसाइट अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.ner.indianrailway.government.in पे जाके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां फिर आपको प्रोसेस समझाया गया कि आपका इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हो यदि फॉर्म भरने में कोई कठिनाई आती है तो आप इस ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद जो फ्रेंड्स इसमें आपको बताया कि आवेदन शुल्क 0 रखा गया है, और ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपकी इसमें रखेगी 10वीं पास या समकक्ष। इसमें आपको बताया संविदा के आधार पर गेटमैन के पदों पर नियुक्ति भूतपूर्व सैनिकों को ग्रेड पे 1800 रुपये लेवल 1 के अनुसार आपको इसमें मानदेय प्राप्त होगा। यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया में अभी आपको पता होना चाहिए कि भूतपूर्व सैनिकों को ही लिया जा रहा है, कोई भी इसमें अन्य जो कैंडिडेट्स और फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। इनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि कितने युवा बेरोजगार हैं। यदि ये भर्ती प्रक्रिया भूतपूर्व सैनिकों के अलावा इसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, यदि उनको भी सेलेक्ट किया जाता, इनको भी मौका दिया जाता, तो जो युवा अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको अच्छा मौका मिल सकता था यहाँ। क्योंकि ऑलरेडी भूतपूर्व सैनिकों के पास नौकरी रहती थी, और उसके बाद उनकी पेंशन भी आ रही है, लेकिन यहाँ आवश्यकता किसको है, नौकरी की युवाओं को। तो यहाँ युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि अभी ये 2500 के समथिंग पदों पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया आएगी, क्योंकि प्रत्येक मंडल में ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाएगी रेलवे। यानी कि गेटमैन जो है संविदा पर लिए जा रहे हैं, यानी कि ये जो गेटमैन है अभी संविदा पर लिए जा रहे हैं। 25,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट किन से करवाई जाएगी, भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनसे इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवाएगा। यहाँ जयपुर मंडल में भी वैकेंसीज आएगी। इसके बाद जो आप दिल्ली मंडल में ये सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया होगी, तो जल्द ही इन भर्ती प्रक्रियाओं को सरकार कंप्लीट करवाने जा रही है। लेकिन यहाँ आपको जो इंपॉर्टेंट सूचना बताई जा रही है ये है कि भूतपूर्व सैनिकों को इन पोस्टों पर नौकरी दी जाएगी। तो यहाँ हमारी सरकार से मांग है कि जो युवा है 10th पास है उनको इन पदों पर लगाया जाए, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी मौका दिया जाए, उनका भी जो आरक्षण है वो तय किया जाए, और सभी को इसमें नौकरी दी जाए। ये नहीं कि केवल एक कैटेगरी को आप नौकरी दे रहे हैं। और इसमें फ्रेंड्स आपका जो है इसमें अधिकतम आयु भी 65 वर्ष रखी गई है, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती प्रक्रिया है। और इसमें ना परीक्षा ना इंटरव्यू, यानी कि आपको मेडिकल बेसिस पे इसमें सिलेक्ट किया जा रहा है। चयन का आधार है अभ्यर्थी को चयन उसकी सैन्य सेवा की अवधि के आधार पर जो है आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद जो है यहाँ कुछ और अपडेट जो आपको बताया गया, कार्य के घंटे हैं, विश्राम है, छुट्टियां हैं, यानी कि सप्ताह में एक आपको छुट्टी मिल जाएगी। सी श्रेणी के सामान्य संपार फाटक पर प्रतिदिन 12 घंटे की शिफ्ट होगी।
तथा अन्य संपार फाटकों पर 8 घंटे की जो है ड्यूटी होगी। प्रति सप्ताह 1 दिन का विश्राम आपको दे होगा, यानी कि आपका 1 वीक में आपको एक छुट्टी मिल जाएगी। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 जनवरी तक आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है।